आज हम डिस्कस करेंगे स्टेयर गेस के बारे में। ऑटो गेट के अंदर अगर हमारे पास कोई फ्लोर प्लान है तो उसमें हमको स्टेयर किस तरीके से बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा प्लान है, यहाँ पर हमने 2D में स्टेयर बना रखे हैं। तो स्टेयर को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहला हम उसका सेक्शन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है स्टेयर को डिज़ाइन करने में कि आपको उसका राइजर पता होना चाहिए और ट्रेड पता होना चाहिए। जैसे कि नंबर ऑफ स्टेप, कितने स्टेप, कितने टप्पे लगेंगे स्टेयर को बनाने के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला फ्लोर का हाइट, टोटल हाइट कितना है फ्लोर का। मेरे पास जो फ्लोर का हाइट है वो 10 फीट है, इंच में देखेंगे तो 120 इंच होगा, तो ये मैंने यहाँ पर 120 इंच। राइजर का हाइट मैंने लिया है 7 इंच। 6 इंच का राइजर भी होता है, 8 इंच का राइजर भी होता है, बट हम 7 इंच राइजर लेंगे। देन इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 17.14 स्टेप आ रहा है, मतलब कि एक स्पेयर को डिज़ाइन करने के लिए हमको यहाँ पर टोटल 17 टप्पे की ज़रूरत लगेगी, 17 स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमको स्टेयर बनाना है, सबसे पहले हम इस तरीके का डिज़ाइन बना लेंगे, सेक्शन बनाएंगे। देखिए, एक वॉल बना दिया है, ये 10 फीट के ऑफसेट पे मैंने यहाँ पर एक साइज ले लिया, ठीक। इसको मेजर कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पर 10 फीट हाइट आ रहा। मैं पॉलीलाइन कमांड यूज़ करा, राइजर का साइज लिया मैंने 7 इंच, यहाँ पर देखिए ये मैंने 7 इंच का साइज लिया राइजर का। और ट्रेड का जो साइज रहेगा वो मेरा रहेगा 10 इंच, ट्रेड का साइज मैंने 10 इंच लिया। देन इस राइजर और ट्रेड को मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया 3, 4, 5, 6। ऐसे हम कंटिन्यूसली इस पॉइंट से इसको हम कॉपी कर लेंगे, जितने भी हमको राइजर बनाना है, ठीक है। ये 17 स्टेप तक हमारे स्टेयर का स्टेप बनेंगे। देन इसको मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक लाइन कमांड यूज़ करी, इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ ट्रांसफ़र किया और इसका प्रोजेक्शन भी हमने नीचे तक लिया। एक लाइन और बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो स्टेयर का विड्थ है वो 3 फीट है, अभी हम स्टेयर का विड्थ ले रहे हैं 3 फीट। देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, 3 फीट या 3 फीट से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने वेट था यहाँ पर दे दिया स्टेयर का, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है मेरी एक्स्ट्रा लाइन, ये मैं हटा देता हूँ स्क्रीन से, ट्रिम करके मैंने लाइन को ऑफसेट लिया है 10 इंच का। सेलेक्ट करा इस ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल कमांड यूज करा, देन ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्टेयर को डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक कंसेप्ट था स्टेयर को डिज़ाइन करने का। यहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट यूज़ कर लिया है, जो भी कमांड यूज़ करना है अगर आपको स्टेयर को डिज़ाइन करना है तो ये वाले कंसेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि डॉगलेग स्टेयर बनाना है, एल शेप में बनाना है, यू शेप में बनाना है आपको स्टेयर, तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर ये स्टेयर बनाया, यहाँ पर मैंने एरो कमांड यूज करा एल ई, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने इसको अप लिख दिया, ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसका डायमेंशन देख रहा हूँ, यहाँ पर 7 इंच आ रहा डायमेंशन, ट्रेड का साइज आ रहा 10 इंच, स्टेयर का विड्थ कितना आ रहा मेरे पास, ये मेरा विड्थ है 3 फीट का। अब मुझे डॉगलेग स्टेयर बनाना है या यू शेप या एल शेप के स्टेयर बनाना है, तो देखिए पहले मैंने लाइन कमांड यूज़ करा है, 3 फीट विड्थ है तो मैंने 3 फीट का एक स्टेयर बना दिया, ओके। ऑफसेट कमांड यूज़ करा 10 इंच का, एक स्टेप, ठीक है, मल्टीपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने 8 स्टेप यहाँ पर सपोज डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन में हमारे 17 स्टेप आ रहा है, तो उसको डिज़ाइन करेंगे। देन फिर से मैंने लाइन कमांड यूज़ कर लिया, इस तरफ भी मैंने लाइन कमांड यूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करा है, लैंडिंग जिसे बोलते हैं, एक रेक्टेंगल बना दिया, डायमेंशन लिया 7 फीट बाय 3 फीट। 7 बाय 3 क्यों लिया है, देखिए अब मैंने इसको मिरर करा है MI इंटर, यहाँ से मैंने इसको ये मिरर करा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से स्टेयर आ गया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना, देन ये वाली पोजीशन आएगी, ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट ये वाला, ये क्या है, ये हमारा रेलिंग होगा। हमारा रेलिंग कितना होता है स्टेयर को, जब भी आप डिज़ाइन करेंगे
कोई सा भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप रेलिंग बना सकते हैं। तो ऑफसेट लिया मैंने 3 इंच, 3 इंच की डिस्टेंस रेलिंग कवर करता है। जब अपन डिज़ाइन बना रहे हैं तो इस तरीके से आप 3 इंच का रेलिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्टेयर को बनाने में। ये मैंने यहाँ पर 2 इंच या 3 इंच का रेलिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अभी मैंने ये इस तरीके का ऑप्शन बनाया। देखिए स्टेप काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस स्टेप होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो ये 17 यहाँ तक हो रहा है बस, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक हमारा स्टेयर बनेगा। तो ये वाले 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक। इस तरीके से हम स्टेयर को यहाँ से बना के यहाँ पर एंड कर सकते हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ, इसको इक्वल ही कर देता हूँ, ये वाला इधर से डिलीट कर दिया मैंने, तो इसको मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। देन ट्रिम, दोनों को ट्रिम कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टेयर बन गया। सेलेक्ट करा ऑल ऑब्जेक्ट, अप्लाई द कलर, मैंने यहाँ पर रेड कलर दे दिया है पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर। जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस तरीके से कलर दे दिया, ठीक है। और एल ई टाइप करा मैंने, और एरो कमांड के लिए, ये एरो साइन इंडिकेट करता है हमारी जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए। गलत जगह पर सेट हो गया है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर हम हीरो सेट कर दें। देन इस पे भी हम अप लिख देंगे, कॉपी कमांड, यहाँ पर मैंने अप लिख दिया, ठीक। ये वाले जो स्टेप है मेरे, इनको मैं क्या करता हूँ, हिडन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास डॉटेड लाइन आ रही है यहाँ पर हिडन लाइन से, जिनको मैं हिडन कर सकता हूँ, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो जाते हैं हिडन लाइन, उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाले स्टेयर को जो भी स्टेयर डिज़ाइन करें, ठीक है, तो ये हिडन सेक्शन में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो इसको हिडन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट ये मैंने हिडन शेप दे दिया है स्टेयर का, क्योंकि अपर साइड में जाएंगे स्टेयर, तो इस तरीके से आपने इसको हिडन कर दिया। देन ये वाला सेक्शन मेरा यहाँ पर स्टेयर का बन गया है। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो ये इस तरीके का हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो स्टेयर का होगा। मैं प्लान के अंदर एक ऐसा पॉली लाइन का व्यू बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ मैं बिकॉज ऑफसेट ले लिया मैंने इसका 8 इंच का, क्योंकि स्टेयर के पास में मैंने क्या करी, वॉल डिज़ाइन कर दी, ये मेरी वॉल हो गई। और देन वॉल अप्लाई करा है तो मैं उसके अंदर हैचिंग भी कर देता हूँ, हैचिंग कर दिया ग्रेडियंट, आप दोनों कमांड्स होती हैं हमारे पास, द पिक पॉइंट सेलेक्ट दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पर एक हैच कमांड यूज़ कर रहा हूँ, और हैच में मैं यूज़ करूँगा लाइक इस तरीके का कॉन्क्रीट मटेरियल, एंड देन अप्लाई द कलर फॉर द कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये इस तरीके का मेरा एक पैटर्न अप्लाई हुआ है। देन यहाँ पर अब मैंने इस तरीके के सेक्शन अप्लाई कर दिए, मुझे टैक्स भी लिखना पड़ेगा। मैंने टी इंटर करा टैक्स के लिए, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, टैक्स अप्लाई करने के लिए। टैक्स का साइज मैंने रखा है 3 इंच, टैक्स करा बोल्ड, टैक्स का कलर कर दिया मैंने ग्रीन, यहाँ पर दिया मैंने 1 टैक्स का नंबर। देन इसको डन करा, अगर साइज में कुछ छोटा बड़ा कुछ करना होगा तो हम उसको एडिट कर लेंगे। देन सेलेक्ट दिस टैक्स एंड क्लिक दिस एंटर, ओके, ठीक है। टेक्स्ट में थोड़ा सा साइज में मैं चेंज कर, 4 इंच कर दिया मैंने टेक्स्ट में, ठीक है। अरे कमांड यूज करा मैंने, इसको सेलेक्ट करा टेक्स्ट को, एंटर कर दिया, और कॉलम दे दिया इसके अंदर 1, और 2 दे दी मैंने इसके अंदर, लगभग 8
हर बीच का डिस्टेंस दे दिया मैंने 10 इंच का। इसी को स्लैक करा, कॉपी कमांड यूज कर लेते हैं। ये स्टेयर को नंबरिंग के लिए यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे हम इसको, सबको डिलीट करने के लिए, डिलीट नहीं तोड़ने के लिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। एक्सप्लोर इसको भी कर दिया, एक्सप्लोर इसको भी कर दिया, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सारे जितने भी अपने स्पेयर थे वो सब हमने अलग अलग कर दिए हैं। देन इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम इरेज कर देंगे, क्योंकि पूरा स्टेप एक ही है, ठीक है। अभी नंबर वाइज करना है हमको, तो हम टोटल काउंटर यूज करेंगे, टी सी, यहाँ पर हमारे पास एक कमांड होता है, तो टोटल काउंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप वन बाय वन सारे नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जहाँ से भी हमको नंबरिंग करना है। देखिए इस तरीके से मैं, क्योंकि मुझे नंबर देना है 1 to 70 जितने भी नंबर हमारे स्टेयर के आ रहे हैं, ठीक है। एंटर करा मैंने, जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर अब पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखना है हमको सिलेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सिलेक्ट ऑर्डर पे एंटर करना है, देन फिर उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा, स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर एंड इंक्रीज, तो ये 1:1 के रेशियो में चलेगा, 1:1, इसको एंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन फिर से यहाँ पर एक और जनरेट होता है, प्लेसमेंट ऑफ द नंबर, तो हम यहाँ कर देंगे ओवरराइड दिस ऑल नंबर, तो मैंने ओवरराइड क्लिक कर दिया, वो एंटर कर दीजिए। देन सारे नंबर जो गिरेंगे वो सब हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, देखिए 1 to 17 स्टेप तक हमारे पास इस तरीके से स्टेयर बना, फिर डॉगलेग स्टेयर बना दिया हमने। अगर सपोज ऐसे ही हमको एल शेप का स्टेयर चाहिए रहता है, एल इंटर करेंगे हम, लाइन कमांड 3 फिट का हमने लाइन बना दिया, ठीक है। देन ऑफसेट कमांड यूज कर लिया 10 इंच का, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। देन लाइन कमांड यूज करा हमने 3 फिट का अगेन, ठीक है। देन फिर से हम ऑफसेट ले लेंगे 10 इंच का, सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट मल्टीपल, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 स्टेप हमारे यहाँ पर क्रिएट कर दिया हमने, ठीक। लाइन कमांड यूज करेंगे हम वापस से, ये इन पूरे ऑप्शन को हमको क्लोज करना होगा, सभी को क्लोज कर दिया, सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, देन लाइक द कलर, कलर सेट कर दिया, जो भी कलर हमको देना था, डिजाइन बना रहे हैं, जो भी कलर आपको सेट करना है स्पेयर को बनाने के लिए, एल ई इंटर लाइन बना, देन यहाँ पर से लाइन कमांड यूज कर लिया, मेरे को एरो यूज करना है एल ई, तो ये आपका एरो आ जाएगा, ठीक है। देन ये जो मेरे पास कमांड था, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। इसमें वॉल किस तरफ आ रही है, इस तरफ वॉल आ रही है, तो वही चीज कमांड यूज कीजिए, पॉलीसॉलिड वाला सेक्शन बनाइए और उसको सेट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से हम डिजाइन कोई सा भी बना रहे हैं तो उसके अंदर स्टेयर ऐसा बना सकते हैं, ये स्टेयर हमने ऐसा बनाया, ये हमारा सेक्शन व्यूज है स्टेयर का, और ये हमारे पास स्टेयर का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो आई होप आप स्टेयर को डिजाइन करेंगे, आपको समझ में आया होगा पूरा स्टेयर को कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, थैंक यू।